ज्योमेट्री में पहले होता है 2D शेप्स, जो हम बोलते हैं फ्लैट शेप्स, क्योंकि बच्चों को 2D 3D ये शब्द का पता नहीं होता है, तो हम दो ही शब्द यूज करेंगे, फ्लैट शेप्स, सॉलिड शेप्स, क्योंकि 2D डायमेंशन हमारे लिए ही मुश्किल है, 4D 5D बोला तो कैसे इमेजिन करना है, इसीलिए बच्चों को जब इंट्रोड्यूस करेंगे डायमेंशन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, फ्लैट शेप्स, राउंड शेप्स या सॉलिड शेप्स, जो आपके फ्रैक्शन किट में है उसको इस्तेमाल करके आप फ्लैट शेप्स सिखा सकते हैं। पहले होता है फ्लैट शेप्स का नेम्स, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल, इसको ट्रायंगल, इसको स्क्वायर, इसको रेक्टेंगल। तो पहले आप सिखाएंगे शेप्स का नेम, बाद में बच्चों को दो चीजें करने को आनी है, मैंने शेप दिखाया तो बच्चे को नेम बताना है, मैंने नेम बताया तो शेप उठा के देना है। तो ये हो गया शेप्स आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन। अभी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होता है, सर्कल राउंड है, ओके, इसको 3 साइड्स हैं, इसको 4 हैं, इसको भी 4 हैं, इसको 4 समान हैं, पर इसको ये दो समान रहते हैं, ये सभी जो उसके प्रॉपर्टीज हैं। इसके कितने कोने हैं, सर्कल को कोने नहीं है, इसको 1 2 3, इसको 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4, ये सभी प्रॉपर्टीज सिखाएंगे आप। और शेप्स और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को मैच करना, जैसे राउंड क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्लॉक, बैंगल, तो इससे वो बेसिक शेप्स के बारे में मालूम कर पाते हैं। इधर से जब हमें 3D जाना पड़ता है, तो अभी ये जो स्क्वायर काउंटर्स है उसको हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या मिलता है, एक फ्लैट से अभी सॉलिड शेप बन रहा है, और वो फ्लैट सॉलिड शेप कैसे दिख रहा है, क्यूब। तो आप 3D शेप का नाम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, यही अगर और थोड़े डाले तो बनता है क्यूबॉइड, जो है ऐसे। तो क्यूबॉइड को स्क्वायर स्टैक करने से भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल स्टैक किया तो भी क्यूबॉइड मिलता है। बैंगल आपका है तो बैंगल ऐसे घुमाने से क्या मिलता है, स्पीयर। अब पहले जब छोटे थे घुमा के देखते थे, वो राउंड घूमता है तो स्पीयर के जैसा वो फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं तो एक स्पीयर क्या है, सर्कल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ना, मतलब एक सर्कल के ऊपर छोटा सर्कल ऐसे करते आए तो भी एक स्पीयर बनता है, पर एक्चुअली वो थर्ड 3D होने की वजह से चारों साइड से वो रहता है। तो स्पीयर के लिए आप गेंद ही इस्तेमाल करेंगे, और इसको कोन को, सर्कल को बड़े सर्कल से लेके छोटे 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 रखते आए तो कोन मिलता है, और वैसे ही ये पिरामिड, स्क्वायर्स को छोटे 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 करने से पिरामिड मिलता है। तो एक्चुअली 2D स्टैक करने से, मतलब फ्लैट ऑब्जेक्ट्स को स्टैक करने से मिलते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स, तो 2D ऑब्जेक्ट से बनते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स, पर आप बोलेंगे फ्लैट से सॉलिड। अभी इसका प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करेंगे, पहले नाम, तो मैंने क्यूब बोला तो बच्चे को क्यूब पहचाना है, मैंने शेप दिखाया तो बच्चे को क्यूब का नाम बताना है, ये दोनों स्किल आने चाहिए। बाद में हम प्रॉपर्टीज, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फेसेस, पहले सिखाएंगे हम सरफेस, कितने सरफेस हैं, तो सरफेस के बाद कितने फेस हैं, सरफेस और फेस में क्या डिफरेंस है, सरफेस फ्लैट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, पर फेस हमेशा फ्लैट ही होना चाहिए, जो फ्लैट है उसमें वो उसका फेस है, और सरफेस क्या है, फ्लैट और कर्व्ड मिला के जो है वो है सरफेस। तो एक चीज में बहुत सरफेसेस हो सकते हैं, पर फेस जितने सरफेस है उतने होंगे या उससे कम होंगे, ओके, क्योंकि फ्लैट फेस फ्लैट सरफेस फेस है। बाद में एजेस, ये मालूम है आपको एजेस और वर्टेक्स, ये सभी आप सिखाएंगे। बाद में ये नेट्स दिए गए हैं, 2D से 3D कैसे बनाने हैं, मतलब फ्लैट ऑब्जेक्ट से 3D को कैसे बनाना है, ये इसमें सिखा सकते हैं। जैसे ये आपको देखा तो किसका नेट लग रहा है आपको, ये क्यूबॉइड का, क्योंकि रेक्टेंगल है, क्यूब में रेक्टेंगल है नहीं। ये आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ये एक्टिविटी करवाने से पहले आप बच्चों को ये पेपर में रख के ट्रेस करने को बोलेंगे, पहले ऐसे घुमा घुमा के हर फेस को ट्रेस करने को बोलेंगे। जब बच्चे 6 फेस भी ट्रेस करेंगे तो उनको मालूम रहता है क्यूबॉइड का फेसेस कैसे दिखते हैं, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर है, और ये कोन का नीचे का
सर्कल है, सिलेंडर का दो साइड फ्लैट फेसेस सर्कल है, ये सभी उनको मालूम होता है। और इसको इसके अंदर डाल के आप 2D से 3D बनाना सिखाएंगे। हर बॉक्स के लिए एक लिड दिया है, क्योंकि अगर शेप खुला है तो उसको सॉलिड नहीं बोल सकते हम। जब एक शेप खुला रहता है सॉलिड नहीं बोल सकते, इसलिए हर एक को लिड है। लिड निकाल के आप नेट डाल सकते हैं। नेट निकालने के बाद फिर से ये डालना पड़ता है, बिना ये डाले वो सॉलिड शेप नहीं बनता है। तो अभी शेप्स में एक और चीज़ होती है, शेप्स बनाना, मतलब इधर डायरेक्टली ड्रॉ करना और बच्चों को शेप्स बनाने को आना है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जियो बोर्ड का। इसमें रबर बैंड दिए गए हैं, इसके ज़रिए आप इसमें शेप्स बना सकते हैं। अगर सर्कल करना है तो उल्टा साइड में सर्कल कर सकते हैं। अभी ये जो सर्कल है उसमें परफेक्ट सर्कल आना है तो पिंस बहुत पास होनी चाहिए। तो परफेक्ट सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, या तो राउंड प्लेट रखेंगे या तो बैंगल रख के ड्रॉ कर सकते। और शेप्स बनाने के बाद दो चीज़ें जो हम सिखाते हैं वो है मेंसुरेशन, एरिया और पेरीमीटर। अभी जब हम एक शेप के आउटलाइन में चलते हैं तो वो आउटलाइन कितना लंबा है, ये होता है उसका पेरीमीटर। तो इधर कैसे करेंगे, ये एक पिन से एक पिन अगर एक यूनिट है तो पेरीमीटर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका पेरीमीटर है 8। तो बच्चे को ये करना है, मतलब वो बाउंड्री पे ही चल रहा है, उसको मालूम होना चाहिए। बच्चों को ऐसे ही वो पेरीमीटर ठीक से मालूम होने के लिए हम थोड़ा इरेग्युलर शेप करेंगे, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं, इरेग्युलर, क्योंकि वो पेरीमीटर क्या होता है उनको ठीक से दिमाग में बैठना है। अभी जब इरेग्युलर किया तो क्या होता है, पेरीमीटर बाउंड्री पे चलना, फिर भी बाउंड्री पे ही चलना पेरीमीटर होता है। तो ये दिखाने के लिए कि पेरीमीटर बाउंड्री पे चलना होता है या आउटलाइन पे चलना होता है। इधर कितना है पेरीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी एरिया करना है तो क्या है, ये शेप के अंदर कितना है वो होता है उसका एरिया। तो अगर पेरीमीटर हम यूनिट्स के हिसाब से करते हैं तो एरिया को कैसे करते हैं, कितने स्क्वायर्स में रख सकती हूँ इसमें। तो इधर कितना है, 1, 2, 3, 4, मैं 4 स्क्वायर्स रख सकती हूँ, इसीलिए इसका एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट। अभी तक सेंटीमीटर है क्या है मैंने बताया नहीं, ये रेक्टेंगल का 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी ये आपको स्क्वायर लाइन बुक में करना है तो कैसे करेंगे, अभी ये स्क्वायर्स हैं तो आप अगर ऐसे लेंगे एक रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका पेरीमीटर है 10 यूनिट। और एरिया कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्क्वायर यूनिट। अभी इधर अभी तक हमने फार्मूला कुछ सिखाया नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे 10 या 15 एग्जांपल्स करेंगे अपने आप से उनके दिमाग में आ जाता है पेरीमीटर क्या है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो स्क्वायर है तो 4 × साइड, रेक्टेंगल है तो 2 × 1 साइड + 2 × 1 साइड। ये कैसे उनके लगता है, वो थोड़ा बार किया तो उनका दिमाग चलता है। बाद में आपने पूछा ये कितना था, 3, ये कितना था, ये अभी क्या किया हमने साइड्स को ऐड किए। तो फार्मूला बच्चों को ही डिराइव करने दीजिए, आप झट से फार्मूला नहीं देंगे, पहले ये करवाएंगे, ये करवाने के बाद ये कैसे आया ये पूछेंगे, कैसे आता है ये आंसर, ये क्या है, 2 है, 1, 2, ये कितना था, 1, 2, 3, ये कितना है, 2, और ये कितना था, 3। तो ये रेक्टेंगल का साइड्स है 2 और 3, ऑपोजिट साइड सेम है रेक्टेंगल में, बच्चों को प्रॉपर्टी मालूम है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 + 3 + 2 + 3। तो अभी अगर ये 2 + 2 + 3 + 3 लिखा तो ये क्या होता है, 2 × 2 + 2 × 3। तो इसको हम 2 × 3 2 + 3, ये फॉर्मूला फाइनली लाते हैं ना, सॉरी, या 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो ये बच्चों को सोचने पर आप क्वेश्चंस पूछ के आपको बच्चों को सोचने देना है, डायरेक्टली जाके आप फॉर्मूला नहीं देंगे।
जैसे स्क्वायर में क्या होता है, टू 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 टू, तो कितना किया, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ये एक्चुअली रिपीटेड एडिशन क्या होता है, फोर इंटू टू, ये टू क्या है, वो साइड मेजरमेंट, तो फोर इंटू साइड। वैसे ही एरिया, एरिया इज प्रोडक्ट फाइनली, वो कैसे आया, मल्टीप्लीकेशन इज रेक्टेंगल, एरिया मेथड में क्या किया आपने, फिल किया था, तो एरिया इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स, लेंथ इनटू ब्रेथ। और एब्स्ट्रैक्ट में बाद में सिर्फ फॉर्मूला यूज करते हैं। आपके मैनुअल में अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं जिधर पेरीमीटर सेम है एरिया अलग है, एरिया सेम है पेरीमीटर अलग है, ये भी आपको बच्चों को दिखाना है। ये क्या है, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है 0 to 360 degrees, और क्या होता है, कोई भी इसके अंदर से इसके अंदर का एंगल होता है एक्यूट, मतलब ये एक्यूट एंगल है, ये इधर तक एक्यूट है, इधर से राइट है, इधर से सभी ऑब्ट्यूस है, इधर से रिफ्लेक्स है, ये स्ट्रेट एंगल है। आप ऐसा एंगल मेजर बना सकते हैं पेपर में, कार्डबोर्ड में, जो कैप्चर करके लाके इसमें फिट करके वो एंगल को देख सकते हैं। जैसे कि डोर कितना खुला है, ये सभी को मालूम है, क्या है, क्लॉक। अभी इसमें जो एक्स्ट्रा है वो है, एक तो ये नॉर्मल क्लॉक, ये मिनट्स, मिनट्स भी दिए गए हैं ताकि आप बच्चों को सिखा सके, एक मतलब 5 मिनट, दो मतलब 10, तीन मतलब 15, थोड़ी देर के बाद उनको मालूम रहता है कि वो 5 का मल्टीपल फॉलो कर रहा है, 5, 10, 15, 20 वो फॉलो कर रहा है। और एक और चीज़ दिए गए हैं, 24 आवर क्लॉक, जो है आपका रेलवे टाइमिंग्स, डिजिटल टाइमिंग। आपने दिखाया क्लॉक में तो बच्चों को टाइम बोलना है, बच्चों को टाइम बोला आपने तो बच्चों को क्लॉक में दिखाना है। अभी इधर हम जैसे 1000, 100, 10, 1 लिखते थे, उसके बदले में लिखेंगे आवर्स, मिनट्स, सेकेंड। तो सेकेंड में जब ऐड कर रहे हैं 60 तक इधर लिख सकते हैं, 60 मतलब 59 लिख सकते हैं। जब 60 आ जाता है क्या करना है, इधर जीरो लिख के एक मिनट इधर लेके जाना है। इधर जब 59 तक लिख सकते हैं, इधर 60 हो गया तो जीरो लिख के एक घंटा इधर लेके जाना है। जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के साथ किया था, आप बोलेंगे टाइम में क्या होता है, 10 के बदले में हम करते हैं ग्रुपिंग बाय 60। अभी आपके किट में है एक टैंग्रम, जो 7 पीस का एक चाइनीज पजल है। इसमें बच्चों को शेप्स का नाम जल्दी आ जाता है, जो शेप्स हैं उनको कैसे जोड़ने से क्या बनता है, ये होता है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। साड़ी का बॉर्डर कैसे बनाएंगे नया वाला, शर्ट में कैसा नया ज्योमेट्रिक डिज़ाइन डालेंगे, बेडशीट कैसे इस बार प्रिंट करेंगे अलग से नया डिज़ाइन, और टाइल कैसे करेंगे। इधर रूल एक है कि 7 पीस भी यूज़ करना है, 7 पीस इस्तेमाल करके एक स्क्वायर। आप क्या करेंगे, हर एक बच्चे को उनके कोई पुराने बुक के बोर्ड में रख के ट्रेस करने को बोलिए, बाद में सीजर्स में काटे तो हर एक बच्चे के पास एक टैंग्रम हो जाएगा। अभी इसमें आप एक चीज़ दिखा सकते हैं, शेप या डिज़ाइन चेंज होने पर भी एरिया इसका वही रहता है। अभी आपके मैनुअल में लास्ट पेज में ये पिक्चर्स हैं जो आप यूज़ करेंगे सिमेट्री के लिए, कौन से लाइन में पिक्चर को काटा तो दो साइड से एग्जैक्टली कॉपी हो जाते हैं। आप जियो बोर्ड में रेक्टेंगल बना के कैसे कैसे वो रेक्टेंगल काटा तो सिमेट्री कर सकते हैं। अभी ये मेरा आधा शेप है तो इस तरफ सिमेट्रिकल बनाना है तो क्या करना है मुझे, इसका मिरर इमेज इस तरफ दिखाना है। ओके, आप आधा शेप देंगे तो बच्चे को उसको पूरा करके आपको दिखाना है सिमेट्री में। स्क्वायर में कैसे कैसे काटा तो सिमेट्री आता है, ऐसे काटा तो भी, ऐसे काटा तो भी, डायगोनल भी आता है, रेक्टेंगल में स्ट्रेट ये और डायगोनल सेम शेप आता है पर मिरर इमेज नहीं आएगा, और सर्कल में हर एक डायमीटर में काटा तो सिमेट्रिकल है। तो ऐसे आप सिमेट्री शेप्स में भी सिखा सकते हैं और इरेगुलर शेप्स में भी। ओके, तो इधर मैनुअल में दिए गए हैं कि कैसे कैसे अलग अलग शेप में, स्क्वायर लाइन बुक में भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो अभी दो ही टॉपिक्स बचे हैं, एक है पैटर्न्स, पैटर्न्स कैसे सिखाना है, और डेटा हैंडलिंग, ग्राफ वो बना। तो पैटर्न्स और डेटा हैंडलिंग दोनों हम करते हैं ये स्क्वायर काउंटर के जरिए। अभी ये एक पैटर्न है, इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, कलर को यूज़ किया है पैटर्न बनाने के लिए, एक येल्लो एक ऑरेंज, एक येल्लो
एक ऑरेंज। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ इसको, ये एक अलग पैटर्न होता है। ये क्या किया मैंने, एक येलो दो ऑरेंज, एक येलो दो ऑरेंज, एक येलो दो ऑरेंज, वैसे कर रही हूँ मैं, वो भी कर सकते हैं। तीसरा पैटर्न कैसे कर सकते हैं, एक दो ऑरेंज, एक येलो एक ग्रीन, फिर से एक येलो दो ऑरेंज, फिर से एक येलो ग्रीन, तो ये एक पैटर्न है एक्चुअली, ये फिर से उसका रिपीटेशन है। तो अलग अलग तरीके में पैटर्न बनाना हम बच्चों को सिखा सकते हैं कलर यूज़ करके, वही शेप यूज़ करके सिखाना है। तो अभी ये कैसे रखा, ये एक हो गया पैटर्न। शेप और कलर इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशन में भी पैटर्न बना सकते हैं। तो स्क्वायर काउंटर इस्तेमाल करके बच्चों को ये पैटर्न्स क्या होते हैं, एक ही सीरीज रिपीट होना वो होता है पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स कैसे करते हैं, जैसे आपने बताया वन पहले रखेंगे, टू थ्री, फिर भी वन टू थ्री, वन टू थ्री ऐसे रखा तो एक नंबर पैटर्न बन गया, वन टू फोर, ओके, बाद में वन, फिर से टू फोर, वो भी कर सकते हैं। बाद में जो आपका सीरीज है टू फोर सिक्स एट, वो भी एक तरह का पैटर्न है, क्या है उसमें टू का मल्टीपल, थ्री सिक्स नाइन, वो भी एक पैटर्न है जिधर नेक्स्ट नंबर है थ्री का मल्टीपल। तो ऐसे भी पैटर्न्स बना सकते हैं जिधर नंबर्स में कुछ कनेक्शन है, वो कनेक्शन की वजह से। जैसे स्क्वायर नंबर का पैटर्न कैसे बनाते हैं, सिक्स टू का फोर, थ्री का नाइन रखेंगे तो फोर नाइन, वो सभी रखा तो स्क्वायर का, स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न हो जाता है, मतलब टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, ऐसे कुछ रखेंगे तो। तो हर नंबर्स में भी अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं। ये सभी फ्री टाइम में भी बच्चों को ऐसे ही एक एक्टिविटी दे सकते हैं। किसी ने पूछा मल्टी ग्रेड क्लास कैसे लेना है, बीच बीच में टैंग्रम दीजिए, मल्टी ग्रेड क्लास में जब आपको टाइम चाहिए, किसी और को थोड़ा ज्यादा सिखाना है, एक ग्रुप को टैंग्रम दीजिए, एक घंटा वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो आपको इंटेलिजेंटली वो यूज करना है कि कौन सी चीजें बच्चों को अपने आप से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं। अभी लास्ट टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। पहले आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, कुछ सवाल पूछना पड़ता है ना। अभी आज कितने लोगों को ट्रेनिंग समझ में आया और कितने को समझ में नहीं आया, ये एक डेटा है ना। तो मैं हर एक को क्या सवाल पूछूंगी, आपको समझ में आया कि नहीं, यस और नो, और मुझे आप एक पेपर में लिख के देंगे तो मैं कैसे उसको टैबुलेट करूंगी, यस और नो, ओके। तो मैं ऐसे चीट ओपन किया तो यस आया तो इधर, नो आया तो इधर, तो ऐसे डालती जाऊंगी, यस यस आता है तो इधर, नो नो आता है तो इधर। तो टैली मेथड में हम क्या करते हैं, पांच होने के बाद एक, तो ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होता है, सवाल पूछ के, बाद में इसका टैब्यूलेशन होता है, यस और नो, कितने यस। तो आज सोचिए 40 यस आ गया, 60 नो आ गया इधर क्लास में, मतलब 40 लोगों को पसंद आया, 60 लोगों को ट्रेनिंग पसंद नहीं आया। और उसको दिखाते कैसे हैं हम ग्राफ में, तो हम चार पक्षी का नाम लेंगे और मुझे मालूम करना है कितने लोगों को कौन सा पसंद आया, ठीक है। तो मैं उनका नाम लिखूंगी, जो एक दो तीन चार नाम है वो लिखूंगी। अभी जो आप देंगे डेटा वो मैं इधर टैबुलेट करूंगी और उसको मैं अभी टेबल में कैसे दिखाऊंगी, पहले वाला कितना, शायद 20 लोग इसको पसंद करते हैं, 30 इसको पसंद करते हैं, 40, वो ऐसे दिखाऊंगी। और अभी ये काउंटर्स यूज करके हम उसका ग्राफ बना सकते हैं, पर इसके लिए हमें स्केल चाहिए होता है। अगर मेरा स्केल 10 का है तो मैं 20 कैसे दिखाऊंगी, 2 और 30, 3 और ये 4। तो पहले बच्चों को सिंपल इंट्रोड्यूस करने के लिए हम 2, 3, 4 ही लेंगे। ये हो गया इसका ग्राफ, जो है 1, 2, 3, 4 और ये है 1, 2, 3। तो अभी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस, कितने लोगों को ये पक्षी पसंद है, 1, 2, 3, कौन से दो पक्षियां ऐसे हैं जो समान लोगों को पसंद है, इक्वली, 2 और 3, कौन सा पक्षी सबसे कम पसंद है, 4, कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा पसंद है, 2 और 3। ये ग्राफ को ऐसे भी रख सकते हैं, ये स्केल हो रहा है ना अभी, तो ये एक्सिस चेंज हो रहा है उतना ही। तो ये होता है हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यूजिंग TLM।